How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit, nahi, lad, yeah, lad. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम द ग्रेट मोहम्मद अली और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये न्यूली रिस्टोर्ड टोयोटा करोला इंडस। ये बहुत लोगों की फेवरेट है और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इसको रिस्टोर किया है। तो आए चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने पैसे लगा दिए हैं इस पर एंड लुक्स ब्यूटिफुल। तो आए, लेट्स एक्सप्लोर द टोयोटा करोला इंडस। इट्स लैड बेबी, सब्सक्राइब। अच्छा जी, सो वी आर इनसाइड द न्यूली रिस्टोर्ड टोयोटा करोला इंडस और हमारे साथ हैं इसके ओनर डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरसल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। तो ये बताएं कि ये आपको आइडिया कहाँ से आया? और मैं बाय द वे बताता चलूं कि ये जो गाड़ी है ना, ये वो हमारे जो यंग इम्पोर्टर दोस्त हैं, वो पीछे बैठे हुए भी हैं मुसब, ये उनके कज़न हैं। तो हालांकि आपके कज़न तो इम्पोर्टिंग में है, तो आपने ये क्यों रिस्टोर की? बस वैसे ही एक शौक हो गया था, और इसकी रिस्टोरेशन में आपको कितना खर्चा लगा? ये 96.3 है, पाकिस्तानी वर्जन है ये। सही। और इसको बिल्कुल ये कहते हैं ओवरऑल किया, इसका इंजन वाइज, बॉडी वाइज, इंटीरियर वाइज, सारी चीजें इसके बिल्कुल टोटल ये कहते हैं इसको ओवरऑल करवाया है। सही। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, इस हालत में थी और इसमें ये इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत कर दिया। तो इसमें क्या क्या आपने चेंज क्या क्या किया है? चेंज है क्या, मैंने तकरीबन इसकी पूरी बॉडी चेंज की है। सही। तो क्वेटा से एनसीपी तो नहीं कर दिया आपने? यहीं पर ही लोकल मार्केट से ही परचेज किए सारे इसके पार्ट्स। सही। आपके कराची में ही परचेज किए। अच्छा, इजीली मिल जाते हैं? नहीं, इतना आसान नहीं है, अच्छे पार्ट ढूंढना इसका बड़ा मुश्किल है। कुछ इम्पोर्ट भी करने पड़े हैं या चीजें क्वेटा से मंगवाई है मैंने? देखा, मैं आपको कह रहा था ये, बट जस्ट किडिंग। अच्छा, सही सही। उसके अलावा पेंट चेंज किया फिर? और भट्टी शावर कराया इसको, इंटीरियर आप देख सकते हैं, काउ लेदर, मैंने सीट पूरा इंटीरियर काउ लेदर बनवाया इसका। नाइस नाइस। इंटीरियर ही मेरा बहुत महंगा इसका तैयार हुआ है सारा। अच्छा, नाइस जी हाँ। और ये सब आपने खुद किया है या आपने किसी से करवाया? ये सब खुद, ये कहते हैं पूरे इसके पार्ट सारे ये कहते हैं सोर्स करना और सारी चीजें बड़ी ये कहते हैं मेहनत करी है इसके ऊपर। और कितना टाइम लगाया आपने? तकरीबन इसमें 8 महीने लगे गाड़ी पूरी रिस्टोर होने में। सही। तो आप वैसे बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं? बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट। तो क्या काम नहीं चल रहा था जब आपने गाड़ी रिस्टोर की है? काम चल रहा है तभी तो ये कहते हैं रिस्टोर करी है। अच्छा, जाहिर है जाहिर है। ये बताए खर्चा कितना आया इस पे? इस पे मैंने वैसे कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन रफली तकरीबन 6.5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन पे कॉस्ट है। और ये गाड़ी आपके पास डे वन से थी? नहीं नहीं, ये मैंने परचेज करी थी एक। तो वो कितने की थी? वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए की। तो ये आपको टेक्निकली घर पे 11 की पड़ चुकी है? हाँ, ये 11 लाख रुपए की पड़ी। इसमें टायर वगैरह भी मैंने जापानीज डाले नए इसमें सारे, और इंटीरियर पूरा है कहते मैंने इसका चेंज किया है गाड़ी का। सही सही सही। तो इसमें इंजन भी बदला? नहीं, इंजन इसका जेन्युइन रखा है, उसको सिर्फ ओवरऑल कराया है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, ये आपने इसको ओरिजिनल इंजन पे क्यों रखा है भाई? इसमें 1.6 वाला डाले ना इंजन। देखिए, मुझे स्टॉक गाड़ी रखनी है, ठीक है, मुझे अपग्रेड जाना नहीं था। अच्छा, और ये गाड़ी जो है 2001 में टोयोटा ने डिसकंटिन्यू किया, 2002 तक शायद ये आई है। सही सही। तो अगर हम लोग इंजन चेंज करने जाते हैं, अगर 1.3 कार्बोरेटर मैं इसका लेता हूँ, तो मुझे लेने के बाद भी इसको ओवरऑल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें आप ये कहते हैं 20 साल पुराना आप लेके डाल रहे हैं गाड़ी में, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? वो ज्यादा आपको 20,000-25,000 मैक्सिमम इसने पे जाएगा वो इंजन। तो उसको भी जब मैंने लेके ओवरऑल ही करना है, तो फिर आपने कहा इस वाले इसी के ऊपर, क्योंकि अगर आप इंजन मार्केट में लेने जाते हैं तो अच्छा इंजन भी इसका कहते हैं कम से कम भी 80,000 रुपए का आपको पड़ता है गाड़ी का, और ओवरऑल करने भी इतनी कॉस्ट आनी है आपको वापस से। तो इट्स बेटर कि अगर आप ओरिजिनल पे रख के आप अगर नहीं करना इंजन, जैसे 1.6 पे नहीं जाना है, या अगर आपको डीजल पे नहीं जाना, तो फिर आप इसी को ओवरऑल करा लें। सही 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 सही। तो ये जो है आप, मतलब आप इसको डेली यूज कर रहे हैं? ये मेरे डेली यूज में गाड़ी है, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से रिस्टोर करी है गाड़ी में कोई मतलब मुझे कंप्लेन नहीं है।
सही सही सही, ये हमारे जितने पश्तून भाई हैं उनकी माशाल्लाह काफी फेवरेट गाड़ी है। गाड़ी के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। हाँ, ये कितने आपके इसकी ऑफर वगैरह आई है इसको बेचने की? देखिए वैसे मैंने बेचने का तो नहीं बनाई, हाँ, लेकिन अगर कोई शौकीन आके कोई शौक के पैसे देके जाएगा तो मैं सोच सकता हूँ देने की। तो आप कितना शौक के पैसे, जो लोग देख रहे हैं और वो खरीदना चाहते हैं तो क्या शौक के पैसे हैं? देखिए जितनी मुझे गाड़ी पड़ी है उससे तो ऊपर ही दूंगा जाहिर है, जितना मैंने इस पे इन्वेस्ट किया गाड़ी के ऊपर। आप देखें इसकी अगर लेदर सीट्स आप दिखाएं तो यही सीट्स तकरीबन 1,00,000 रुपए की तैयार हुई है। अच्छा जी हाँ, ये काओ लेदर या कहते हैं पूरा उसमें लगा हुआ है नेशनल मेड। ओह नाइस नाइस नाइस, ये सब भी आपने खुद ही करवाया है। अच्छा तो अरसल भाई ये बताएं कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि डेक नहीं आपका लगा हुआ, तो ये आप क्या आ रहा है? ये यहाँ पे ग्लास होल्डर इसके आते हैं, एक पट्टी आती है सही, उसमें ग्लास निकलते हैं सही, तो वो मैंने मंगवाई हुई है, वो इस पे लगानी है और इसके नीचे यहाँ पे स्क्रीन क्या कहते हैं मैंने ऐड करानी है। सही, तो अगर ये पार्ट मुझे मिल जाता है तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन का करवाऊंगा। सही, तो वाई इंडस करोला, मतलब आपको इतनी पसंद है ये गाड़ी के? पसंद तो शुरू से थी गाड़ी ये वाली, हाँ। एक शौक था कि गाड़ी रिस्टोर करनी है और ये कहते हैं बचपन से ये कहते हैं देखते रहे इंडस, हाँ। को उसकी हाइप इतनी है इस गाड़ी की, हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं आज वो पूरा भी हो गया शौक हमारा। क्या बात है, वैसे आपको पता है ना ये गाड़ियाँ उठ भी जाती है बहुत जल्दी, उसके लिए मैंने चोर सिस्टम किया हुआ है। चोर सिस्टम वो कोई सारे बॉयज जो देख रहे हैं जो जो फ्यूचर चोर सिस्टम है गाड़ी में, डोंट कम फॉर दिस वन। अच्छा तो ये बताएं कि इसमें आप कुछ और ऐड कर रहे हैं या ये 100% मतलब कंप्लीट है? अदर देन दिस मैंने इसको स्टॉक का ध्यान रखा हुआ है सही, क्योंकि मैंने इसकी सारी चीजें स्टॉक पे ही अगर रिस्टोर करी है सही। इसका सस्पेंशन भी पूरा स्टॉक है, हालांकि वो भी मैंने पूरा नया डाला है, अच्छा स्टॉक ही डाला है सस्पेंशन भी गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, और टायर्स के अंदर सिर्फ हाँ ये है कि कंपनी फिटेड्स में 13 आते हैं, लेकिन मैंने उसको स्लाइटली अपग्रेड किया 14 पे ले गया हूँ 195 के ऊपर। तो आप इसमें रिम भी डाल रहे हैं? आज के अंदर मैंने रेस के रिम मैंने इंशाल्लाह सोर्स किए हैं, वो मेरे जैसे ही आते हैं सही। तो इसके वजह से पार्ट ज्यादातर अगर हम देखा जाए जो फॉर एग्जांपल और लोग भी देख रहे हैं जो अपनी इंडस करोला रिस्टोर करना चाहते हैं वो क्वेटा से मिलेंगे या कराची से मिलेंगे? देखिए ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि आप वहाँ चले जाएं, क्वेटा चले जाएं, आप बॉर्डर चले जाएं, वहाँ से आपको गाड़ी सस्ती मिल जाएगी, आपको कॉस्ट उसी तरह ही आनी है, सिमिलर ही होगी, सिमिलर ही कॉस्ट आएगी, क्योंकि मैंने पूरी मार्केट सर्वे करी है। अब वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक तो आपके लिंक्स अगर इस तरीके हैं आप वहाँ जाके कर सकते हैं बर्दाश्त, तो फिर आप जा सकते हैं कि अगर आपको कोई, क्योंकि इस काम में फ्रॉड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इवन जब मैंने पार्ट सोर्स किए हैं तो मुझे काफी इशू आया है कि क्वालिटी के ऊपर और चीजों के ऊपर, तो बहुत मतलब 3-4 दफा चीजें एक एक चीज क्या कहते मंगवानी पड़ती थी। अच्छा जी हाँ, अब इसका स्टीयरिंग जो है मैंने इसमें जैपनीज डाला हुआ है, ये एडजस्टेबल है इसका, ओके, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से सोर्स किया है सही, वरना जो ये आती है इसमें वो ये वाला नहीं होता, नहीं होता इसमें। नाइस नाइस नाइस, चलें जी ये था इंडस करोला का रिव्यू और आई होप यू गाइस एंजॉयड, अ लॉट ऑफ माय पख्तून ब्रदर्स लव दिस कार एंड थैंक यू अरसल भाई फॉर टेकिंग आउट द टाइम। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ वो सबको गिला होगा आपने उससे गाड़ी नहीं इम्पोर्ट कराई, ये वो बोल रहा होगा ना यार अरसल भाई मुझसे करा लेते इम्पोर्ट। बट खैर जी चलें नेक्स्ट, कौन सी हम V8 ला रहे हैं? V8 इंशाल्लाह, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल स्लैट बेबी, लेट नहीं लैड, इस लैड इस लैड ये लैड 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 इस लैड ये लैड 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 इस लैड ये लैड इस लैड इस लैड इस लैड।